उधर जम्मू खत्ते के चनाब और पीर पंजाल के बालाई इलाकों में हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई है। बनिहाल और उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई। गुज़िश्ता रात से ही बर्फबारी हो रही है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। बर्फबारी के सबब कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया। रामबन बनिहाल के रास्ते में कई मकामात पर लैंडस्लाइड की खबर है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कैफेटेरिया मोड़, पंथियाल और मोरोक पर लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई है। रास्तों को साफ करने का काम भी साथ साथ चल रहा है। सुबह से ही स्नो कटर मशीनों के जरिए कौमी शाहराह को साफ करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से बनिहाल बारामूला रेल सर्विस को भी बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बनिहाल में 3 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई, जबकि बनिहाल कांजीगुड़ टनल के इलाके में 6 से 9 इंच बर्फबारी हुई। बिहार से आया हूँ, बेतिया जिला से। कोई यहाँ पूछने नहीं आया को हम लोग को फंसे हुए हैं। जाएंगे हम लोग तब तो कुछ मिलेगा खाना वाना। यहाँ कल रात से फंसे हैं, जल्दी रास्ता खुले हम लोग यहाँ से मतलब अपने जगह पर पहुँच जाए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारे नागर जी हैं, उसकी यही बात यह है कि रोड को कंटिन्यू रखो। रात को 2 बजे पसी आई थी, 2 बजे से हमारे जितने भी CPPL के मजदूर हैं, ड्राइवर है, ऑपरेटर है, पूरी रात दिन रात इसी में लगे हैं कि ये रोड को क्लियर करें। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा रोड है, उसके बाद फिर बाकी प्रोजेक्ट तो चलते रहेंगे। जहाँ जहाँ रामन बनियाल सेक्शन में रोड बंद है, तो जितनी भी हमारी मशीनरी लगी है, हम फौरी तौर रोड को खोलने की कोशिश में लगे।